वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा सरप्राइज होगा। रीमा ने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज कल रात में सोते सोते लेट हो गए थे कशिश, हम मैं और रीमा, हम सब लोग बदमाशी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे रात में, तो लेट हो गए थे, तो इसलिए वो लोग तो अभी तक सो रहे हैं। और मैं सुबह, मैंने कहा कि मैं उठ के रीमा के लिए चाय बना देता हूँ। बनाते हैं चाय, नॉट अ बिग टास्क। तो चाय तो बनती रहेगी अपने थोड़ी देर में, क्योंकि इसके अंदर अदरक डाली है तो वो तो थोड़ी देर पानी उबलेगा। और बताइए आप लोगों की शॉपिंग चालू हो गई दिवाली वगैरह की? हम लोगों ने तो कर दी। रीमा का और मेरा ये रहता है कि हम लोग धीरे धीरे काम कर लेते हैं दिवाली तक, मतलब पहले जल्दी शुरू कर लेते हैं दिवाली। अब थोड़े दिन में बस अब सफाई चालू करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे शॉपिंग भी करते रहेंगे। अभी ये रीमा का ब्लॉग है ना, तो मुझे अकेला ब्लॉगिंग करने में ना बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे से ऐसा लग रहा है कि अजीब सा होगा। रीमा होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो बोलती रहती है तो वो मुझे बताती रहती है। अभी सुबह 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 अमेजोन वाला ये देखे गया, देखे हमारी शॉपिंग, नेक्स्ट शॉपिंग हमारी, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। शायद मैं दिखाऊँ, वो सोचता तो मैं दिखाऊँगा, नहीं तो रीमा दिखाए इसके अंदर क्या है। मैं साथ में अपने लिए ब्रेड भी बना रहा हूँ। रीमा सुबह सुबह नाश्ता अवॉइड ही करती हैं, बहुत कम चाय के संग कुछ बिस्किट वगैरह लिया तो लिया। अच्छा, मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम, मतलब मुझे करना बड़ा पसंद है खाने के लिए, कि जब कुछ भी स्टफिंग ना हो ना, और सैंडविच वगैरह कुछ बनाना हो या कुछ करना हो और आपके पास स्टफिंग नहीं है, तो हम लोग तो क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई भी घर में नमकीन होती है ना, तो जैसे ब्रेड को टोस्टर में लगाया और उसके बाद उसके अंदर नमकीन लगा दी, तो नमकीन लगा के खाने में क्या टेस्टी लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे मालूम है बहुत लोग ट्राई करते होंगे, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है ना वो करके देखिएगा। वो अपने ब्रेड को आपने ग्रिल किया, ग्रिल करने के बाद उसमें नमकीन लगा के, बटर हो तो बटर थोड़ा सा लगा लो, नमकीन लगा के, क्या टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। अभी मेरे पास जैसे कि ये सेव है, अब मैं इसको लगा देती हूँ ब्रेड, और इसके ऊपर अब मैं लगा रहा हूँ ये वाले नमकीन, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, कभी ट्राई करके देखना, मैं ट्राई नहीं किया हूँ। और ये मैं ये आदत ना बचपन से, मुझे बचपन से ऐसा पसंद है करना, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मेरा क्विक वाला 5 मिनट वाला ब्रेकफास्ट होता है कभी कभी, अगर रीमा नहीं मेरे लिए प्रिपेयर कर पाती है तो मैं आपके लिए बना लेता हूँ जल्दी से ही, और साथ में चाय तो बन ही जाती है। ये बन गया है सुबह की चाय विद सम बिस्किट्स एंड नमकीन, लेट्स सी। रीमा चलो चाय पी लो, मैंने तो अपने लिए ब्रेड और बटर भी बना लिया। हाँ, और रात में नींद अच्छी आई? बालक जो है कल हमारे पास सोया था जिद करके और अभी तक सो रहा है। संडे को तो इसको सोना ही होता है हमारे साथ। तो गाइज आज अमेजोन से ये सारा सामान आया है, तो ये तो कुछ कर्टेंस आए हैं क्रीम कलर में, ओके। और इसके अलावा ये मैंने मंगाया है टेबल रनर, ये टेबल रनर मैंने मंगाया है, तो ये जो कर्टेन है ये मिले हैं मुझे, दो कर्टेन 1499 रुपीज़ में। और ये जो मैट है इसके प्राइस क्या है वो मैं अभी देख के बताती हूँ आपको। और इसी के साथ मैंने टेबल रनर के साथ मैंने मंगाए हैं ये टेबल मैट्स, ये टेबल मैट्स भी मंगाए हैं मैंने। तो अभी मैंने ये टेबल मैट्स निकाल कर देखे थे, तो इनका जो प्लास्टिक है ना
वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बहुत ही लुजगुन सा प्लास्टिक है, तो मैंने वापस कर रही हूँ। और प्लस जब मैंने इसके साथ टेबल रनर के साथ मैंने इनको लगा के देखा तो बहुत ही ज़्यादा ना प्रिंटेड हो रहा था, तो इस वजह से भी मैं वापस करने की सोच रही हूँ उन्हें, क्योंकि एकदम से टेबल पे बहुत ज़्यादा प्रिंट दिख रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला रख लेती हूँ टेबल रनर और इसके साथ प्लेन वाले मैट लेती हूँ, उससे थोड़ा लुक इन्हेंस होके आएगा। तो ये भी ये 250 रुपीज़ में है, 6 हाँ 250 रुपीज़ में 6 मिला है मुझे, लेकिन इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है सच पूछो तो, मुझे क्वालिटी भी समझ में नहीं आई, वरना इन मैट्स की तो ज़रूरत पड़ती रहती है, मैं रख भी लेती एक बार को, लेकिन इनकी क्वालिटी आप देख रहे कितनी लुजगुन क्वालिटी है, बहुत ही लुजगुन क्वालिटी है। और जो मेरे पास पुराने वाले टेबल मैट है ना, ये वाले ये मैंने होम सेंटर से परचेज किए थे, इनकी क्वालिटी देखिए आप, बहुत ही थिक है इनकी क्वालिटी, और इनकी जो है वो बहुत ही लुजगुन है। तो जैसे प्राइस है वैसी ही क्वालिटी भी मिली है मुझे यहाँ पे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो ये टेबल मैट तो मुझे पसंद नहीं आए हैं, और टेबल रनर की कॉस्ट भी बता देती हूँ आपको, ये है 299 रुपीज़ का है ये टेबल रनर। ये सुंदर लग रहा था बिछाने के बाद। तो स्टिचिंग का भी काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब आज से मैं सोच रही हूँ मैं अपने स्टिचिंग पे भी कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फिर फेस्टिवल जितना नज़दीक आएंगे वैसे ही टेलर बिजी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे को मम्मी ने दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी बर्थडे पे, आपको याद होगा मैंने दिखाया भी था अपने बर्थडे वाले वीडियो में। तो ये इस कॉम्बिनेशन में है, तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ अच्छा सा डिज़ाइन देख के इसको भी स्टिचिंग के लिए आज डाल देती हूँ। तो आज मैं संडे है, तो आज मैं सारे ऐसे ही वाले काम करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत घर की डेकोरेशन के लिए और थोड़ा निकलूँगी घर से बाहर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जो सुबह जो पैकेट आया है ना उसमें आए हैं ये वाले कर्टेंस, और मैंने आपको बोला था ना मैं धीरे धीरे अपने घर का मेकओवर कर रही हूँ, तो ये हम लोगों ने लिविंग रूम के लिए मंगाए हैं, और ऐसे दो तीन तरीके के और मंगाए, तो अभी हम एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन से ज़्यादा मैच कर रहे हैं हमारे लिविंग रूम के थीम के साथ। तो फिलहाल ये वाले हम लगा कर देखने वाले हैं, ऐसे चार मंगाए हम लोगों ने, और भी डिज़ाइन के तो भी तो मंगाए ना अपने दो तीन तरीके के, तो फिर हम लास्ट में डिसाइड करेंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे वो रख लेंगे और बाकी हम वापस कर लेंगे। तो ये अमेज़ॉन पर सुविधा है कि यार अपना चूज़ कर लो, अब हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो ऑनलाइन चूज़ करने का तरीका तो यही हो सकता है, अगर शॉप पे जाके खरीदते हो तो सारी चीज़ें एक साथ लग के दिख जाती हैं, अब लोग ऑनलाइन में तो यही ऑप्शन रहता है कि मंगा के देख लो और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे वो अपने लिए रख लो। तो गाइज़ ये कुछ शेयर कर्टेन है, और ऐसे मैंने 4 मंगाए, क्रीम कलर में है ये, और ब्राउन कलर के ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये वाले ब्राउन कलर के साथ मैं ये वाले क्रीम कलर के डाल के देखने वाली हूँ कि कैसे लग रहे हैं। क्या हुआ था ना, हम लोगों ने अपने ये वाले कर्टेन बदले थे ब्राउन वाले, और इस बार हम लोग बदल रहे हैं अपने ये वाले कर्टेन, तो पूरा ही डिफरेंट लुक हो जाएगा। ये हैवी कर्टेन है, और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको कुछ लाइट कर्टेन डालने चाहिए। तो गाइज़ यही वो कर्टेन है जो आज मॉर्निंग में आए अमेज़ॉन से, तो ये इनमें पोलका डॉट काइंड ऑफ कह सकते हो सेल्फ में डिज़ाइन है, और क्रीम कलर में है ये कर्टेन, और इसके साथ वो पुराने वाले हम लोगों ने जो लास्ट ईयर मंगाए थे वो भी शेयर में है, तो शेयर दोनों ही हो गए हैं एक्चुअली, और ये ब्राउन में शेयर हैं और वो क्रीम में हो गए हैं। तो पहले हो रहा था इस तरीके का लुक, कुछ ये वाला लुक था पहले, एक था हैवी कर्टेन और एक था शेयर कर्टेन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाले कर्टेन का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक हैवी और एक शेयर कर्टेन, या दोनों शेयर कर्टेन ही अच्छे लग रहे हैं आपको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। और
उसके अकॉर्डिंग मैं फिर चूज़ भी कर लूँगी। वैसे अभी हमारे पास शेयर में और भी डिज़ाइंस आने वाले हैं कर्टेंस के, मैंने 4-5 तरीके के मंगा कर रखे हैं जिससे कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे वो मैं डाल लूँ। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अगर पूछो तो ये है कि शेयर के साथ शेयर कर्टेन अच्छे लग रहे हैं या फिर शेयर के साथ हैवी कर्टेन अच्छे लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास हैवी वाले ब्राउन भी हैं। हाँ, जो कि हमने पहले डाल रखे थे, तो शेयर के संग हैवी वाले ब्राउन भी जा सकते हैं या फिर या तो ब्राउन क्या कर सकते हैं, दोनों कॉर्नर में हैवी वाले डाल दो ब्राउन ब्राउन, और बीच में दोनों को शेयर कर दो जैसे इस वक्त तुमने ब्राउन वाले कर रखे हैं। तो जो सेकेंड कर्टेन थे वो भी आ गए, थोड़ा लेट आए लेकिन ये, और ये वाले हैं पॉलिस्टर में, 100% पॉलिस्टर है, लेकिन आपको देखने में ये पॉलिस्टर वाले नहीं लग रहे हैं, छूने में भी पॉलिस्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि इनका पॉलिस्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है आइवरी कलर में, ये आइवरी कलर है, गोल्डन टच लिए हुए क्रीम में। और तो इस टाइम जो मेरे कर्टेन लगे हुए हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले, तभी आपको आइडिया लगेगा। तो ये वाले मेरे कर्टेन है ना, आप देख पा रहे हो, यहाँ नहीं पता चल रहा, चलो यहाँ पता चल रहा है। तो ये वाले कर्टेन है ना मेरे, अब इसके बराबर में मैं अगर ये वाले कर्टेन लगा रही हूँ तो बिल्कुल सेम मैच कर रहे हैं, बस ये प्रिंटेड है और ये वाले हैं प्लेन। तो मैं जब इसके साथ मैच करने वाली हूँ तो यहाँ पर रहेगा ये ब्राउन कलर का, और इसके साथ ना ये मैच कर दूंगी इसकी प्लेस पर, इस वाले की जगह पर मैं ये वाला ट्राई करने की सोच रही हूँ। तो अब चॉइस के लिए मेरे पास दो तरीके के कर्टेन हो गए, एक तो ये क्रीम कलर के जो पॉलिस्टर में है, और दूसरे ये नेट में है, और इनमें सेल्फ में डिज़ाइन है, पोल्का डॉट बना हुआ है इसके ऊपर, और ये वाले अपने बिल्कुल प्लेन रहेंगे। तो अब मुझे ये देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये वाले या वो वाले। ये वाले आइवरी कलर में, और ये थोड़ा सा क्रीम में थोड़ा टच लिए हुए हैं, आइवरी ही कहोगे इस कलर को भी, लेकिन थोड़ा लाइट कलर में। और ये ना हमारे वॉलपेपर से भी मैच करेंगे। अब देखते हैं कि कौन से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, वही रखूँगी जो ज़्यादा बेटर लगेंगे। लेकिन मैंने बस एक बात नोटिस करी, जब मैंने ये वाले लगाए थे ना कर्टेन, तो घर बहुत लाइट लग रहा था, बहुत ही खुला खुला लग रहा था, और बड़ा भी लग रहा था देखने में, है ना। लाइट कलर के कर्टेन लगाने से घर बड़ा लग रहा था ना। हाँ, बट वो मुझे लगता है कुछ ज्यादा शेयर है और बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें से लाइट बहुत, सनलाइट बहुत आ रही थी इसमें से, सही नहीं है ये, मुझे लगता है सही है क्योंकि इसमें से लाइट नहीं आएगी। और लेकिन हालांकि ये भी ब्लैकआउट वाले नहीं है, नॉन ब्लैकआउट है ये भी। हाँ, दैट्स फाइन, बट उससे, लेकिन हाँ उससे कम है वो, तो बस नेट है ऐसा लग रहा है। देखते हैं चलो कौन से रखते हैं, लगता है ये अच्छा लगता है। और कशिश अपनी स्टडी कर रही है क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। क्यों कशिश, एग्जाम्स आने वाले हैं? एग्जाम आते ही तुम सीधी हो गई एकदम से, वैसे तो पढ़ाई कर नहीं रही थी, अपना टाइम वेस्ट घूम रही थी, लेकिन एग्जाम से पहले ही समझ में आ गया बेटा पढ़ लो वरना तो गए काम से। तो आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, वैसे मौसम अच्छा हो गया है, शायद बारिश हो, देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल। कशिश की बालकनी से अलग व्यू आता है, मेरी बालकनी से अलग। तुम्हारा नाइट सूट तो तुम्हारी बेडशीट्स के साथ बिल्कुल मैच जा रहा है, लग रहा है तुम इसी के अंदर ब्लेंड हो गई हो। इनफैक्ट तुम्हारी मिनी का आउटफिट भी जा रहा है तुम्हारे साथ। कशिश की बहुत पुरानी मिनी है, जब हम लोग US से लौट रहे थे तो मेरे एक फ्रेंड ने ये गिफ्ट में दी थी कशिश को, है ना। नहीं, अच्छा वो लौट रहे थे इंडिया, हम लोग US में ही थे, वो इंडिया वापस जा रहे थे, तो उन्होंने जाते वक्त ये गिफ्ट में दी थी। हाँ, डिज्नीलैंड से है ये, कितनी क्यूट है ना कशिश ये। तो कशिश के लिए मैंने बनाया रेड सॉस पास्ता, उसी को खाना था स्पेशली ब्रेकफास्ट में, हम लोग तो खाते नहीं है, मैं और प्रशांत, पास्ता वगैरह, लेकिन कशिश को बहुत पसंद है, और आज संडे है तो मैंने उसके लिए बना दिया। गुड मॉर्निंग, तो आज का लंच हम लोगों ने ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने अपने लंच में क्या मंगाया है। तो मंगाई है दाल मखनी, सबकी फेवरेट, नान और मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी मेरी फेवरेट है।
गुड इवनिंग गाइस। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:45, 5 भी नहीं बजे अभी तक। तो मैं और प्रशांत जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, और कशिश का एग्ज़ाम है तो कशिश घर में ही रह के पढ़ाई करेगी थोड़ी देर, और मैं और प्रशांत जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी वापस आते हैं। वैसे भी आज संडे है तो घर की वेजिटेबल्स भी लानी है, तो वो भी काम है एक। उसके अलावा थोड़ा सा ऐसी डगेमारी करेंगे, देखेंगे कहाँ जाते हैं। डगेमारी का मतलब पता है आप लोगों को? तो वही करने जा रहे हैं, तो कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फालतू में घूमना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कितनी फालतू चीज है ना ये, कि फालतू में घूमना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फिर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो हम लोग कहाँ आए हैं प्रशांत, आप नहीं बताना चाहोगे? एट होम आए हैं हम लोग, कुछ घर का ही सामान देखने के लिए। आजकल तो बस वही तैयारी चल रही है, आपको पता ही है। तो जो भी जहाँ भी मौका मिलता है बस हम लोग निकल लेते हैं। कुछ भी स्टोर हो जो डेकोरेशन वाले हैं, देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी मिल रही है। अमेज़ोन पर अच्छी है तो अमेज़ोन से मंगा ली, जहाँ भी पसंद आ जाए, है ना। आप लोग भी चलिए फिर। कितने का? आई डोंट नो, 3,940। अच्छा, 3 तो देखे ही नहीं। दही कबाब, हरा भरा कबाब, माय गॉड। बच्चों का खिलौने वाला है ये क्या? नहीं, इसमें दाल मखनी पनीर रख के लेके आओ। हैंड वॉश प्यारे लगे, सच्ची लोग घर को खाने को बोला तो नीचे इसमें टी लाइट ये इसमें सुपर स्टील पे है ये स्टेनलेस स्टील पे है। Hi guys, so she is my subscriber. What's your name? My name is Shilpa. Okay. Yeah, nice. Really, very sweet. मुझे आपके साथ बहुत अच्छे से एडिक्शन हो गया है कि जब तक उसको देखते ही नहीं है तो बस लगता है कि आज कुछ नहीं, आप बच्चे मुझे बता दें। अच्छा, आंटी का ब्लॉग आके देख लो। थैंक यू सो मच। हेलो जी, तो ये आपके बच्चे हैं बेटी और एक बेटा। से हेलो। हेलो। बीकानेर कॉफ़ी पीने के लिए, शाम की कॉफ़ी नहीं पी है ना अभी तक, तो मिस कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग गाजियाबाद आए हुए थे एट होम, ऐसे ही देखने के लिए, सामान देखने के लिए, और यही बराबर में बीकानेर वाला भी है, तो हमने सोचा कि वहाँ पर चलकर कॉफ़ी भी पी लेते हैं। कशिश के लिए भी पैक करा लिया है हम लोगों ने। क्या पैक कराया कशिश के लिए? पनीर को, पनीर कटलेट। कैसा है?
क्या है। मेरी कॉफ़ी भी पीना चाहते हो तो तुम हो वही आदमी जो मेरी कॉफ़ी पीना चाहता है। तो गाइस अभी हम इंजॉय करने वाले हैं अपनी कॉफ़ी, और यही था आज संडे का ब्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।